दोस्तों जर्मनी वो देश है जिसका साइज भारत के तमिलनाडु जितना है, लेकिन फिर भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये देश आधे से ज्यादा यूरोप पर कब्जा करके बैठा हुआ था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर हिटलर ने रूस पर हमला ना किया होता तो वो पूरे यूरोप पर कंट्रोल कर रहा होता। ये अचीवमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि हम आज के रूस और यूक्रेन के वॉर को देख रहे हैं, जहां पुतिन अभी तक यूक्रेन जैसे छोटे से देश पर कब्जा नहीं ले पाए, और वो भी तब जब रूस को दुनिया की टॉप मिलिट्री फोर्सेस में से एक माना जाता था। तो आखिर कैसे जर्मनी ने कारनामा करके दिखाया, आज यही जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम उस वक्त के जर्मनी को देखें तो जंग जीतना तो छोड़िए, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि जर्मनी किसी वॉर को लड़ने के काबिल है, क्योंकि 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और फिर साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साय, जिसके मुताबिक जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में अपनी गलती कबूली थी और उन्हें फिर यूरोप के अलग अलग देशों को हर जाने के तौर पर $20 बिलियन चुकाने पड़े थे। इस पेमेंट के कारण जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी, क्योंकि वॉर के बाद उन्हें अपनी इकोनॉमी भी दोबारा से खड़ी करनी थी, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे में उस वक्त की वेमर सरकार ने ज्यादा नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए, और हम सभी जानते हैं कि जब कोई देश इस तरह से करेंसी प्रिंट करता है तो क्या होता है, जर्मनी में वही हुआ। और बहुत ही बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन आ गया, और ये इतना खतरनाक था कि $1 की कीमत इस वक्त 4.3 trillion जर्मन मार्क तक पहुंच गई थी। जर्मनी की हालत बहुत खराब थी और तब उन्हें बचाने आया अमेरिका। जर्मनी ने अमेरिकन बैंक से भारी भारी लोन्स लेने शुरू किए, जिनकी मदद से वो देश को कुछ हद तक चला पा रहे थे। लेकिन फिर 1929 का साल आया और अमेरिका समेत दुनिया भर में मंदी छा गई, जिससे द ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। इसने जर्मनी की मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि अब वो अमेरिका से भी लोन नहीं ले सकते थे। दूसरी तरफ ट्रीटी ऑफ वर्साई के मुताबिक अब जर्मनी को अपनी मिलिट्री का साइज भी घटाकर 1,00,000 लोगों तक का करना था और अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से बंद करना था। इस कियोस के बीच में एक जर्मन मिलिट्री ऑफिसर अचानक से जर्मनी में बहुत पॉपुलर हो रहा था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। 1930 में हिटलर ने जर्मनी की कमान संभाली और अगले 9 सालों में जर्मनी दुनिया भर के लिए खतरा बन गई। पर आखिर 9 साल में हिटलर ने जर्मनी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, इसका जवाब इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हिटलर से पहले भी 1920 से ही जर्मन गवर्नमेंट सीक्रेटली अपनी मिलिट्री के साइज को बढ़ा रही थी और नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट भी कर रही थी। ये सभी काम दुनिया से छिप कर किया जा रहा था, इसलिए जब हिटलर ने कमान संभाली तो बाकी देशों को पता ही नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से गुजरने वाले हैं। लेकिन हिटलर के पास अपना एक चार्म था जिससे वो लोगों को कन्विंस कर लेता था। हिटलर ने शेल कंपनीज बनाकर कुछ और लोन्स दुनिया भर से लिए और उन्हें जर्मन मिलिट्री को डेवलप करने में यूज किया। हिटलर का प्लान सिंपल था कि जब वो दुनिया पर कब्जा कर लेंगे तो इस जंग में जो भी पैसा वो लूटेंगे उससे उनके लोन्स की भरपाई हो जाएगी। हिटलर एक जर्मन राष्ट्रवादी था और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साय के कारण उसके देश को तबाह कर दिया गया है। उसका तो ये मत था कि जर्मन्स या फिर आर्यंस दुनिया की सबसे एडवांस रेस है, उन्हें ही दुनिया पर शासन करना चाहिए। हिटलर ने अपनी मोटिवेशंस और अपने चार्म को मिक्स करके एक ऐसा कॉकटेल बनाया जो दुनिया को अगले महायुद्ध तक ले गया। लेकिन आज हमें हिटलर जैसा लगता है वैसा तब के लोगों को नहीं लगता था। उदाहरण के तौर पर यूं तो जर्मनी 1,00,000 से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता था, लेकिन 1935 में उनकी फौज में 3,00,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे और एक एयरफोर्स भी थी जिसके पास 2,500 से ज्यादा कटिंग एज वॉर प्लेन्स थे। लेकिन हिटलर ने इन्हें छुपाया नहीं, हिटलर ने दुनिया को अपनी आर्मी दिखाने के लिए फ्रीडम टू रीआर्म रैली निकाली और साथ ही दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया कि चाहे उन्होंने रूल्स तोड़े हैं लेकिन ये आर्मी उन्हें यूरोप में शांति बनाने के लिए इकट्ठा कर रखी है। हैरानी की बात तो यह है कि यूके, फ्रांस और बाकी सभी देश ये बात मान भी गए। एक वक्त तक जर्मनी की इंडस्ट्री भी दोबारा खड़ी होने लगी थी, वहां पर BMW जैसी नाज़ी कंपनीज प्रोग्रेस कर रही थी जिन्होंने दुनिया को भी हिटलर का दीवाना बना दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप के बाकी देशों में खुले तौर पर लोग हिटलर का समर्थन करने लगे थे और अपने पॉलिटिशियंस को हिटलर से सीखने की नसीहत देते थे। लेकिन ये सब 1939 में बदल गया जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस वक्त हिटलर की आर्मी का साइज 3,00,000 से बढ़कर 40,00,000 तक पहुंच गया था। इसके 2 दिन बाद फ्रांस और यूके ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन अगले 2 साल तक हिटलर ने फ्रांस, ग्रीस, नॉर्वे, लग्जमबर्ग और ना जाने कितने ही यूरोपियन देशों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उसके पास बेहतर प्लान था।
अभी तक ज्यादातर यूरोपियन फोर्सेस पहले विश्व युद्ध के तरीकों से लड़ रही थी, जिसमें ट्रेंचेस में रहकर फाइट की जाती थी। लेकिन हिटलर की आर्मी में टैंक्स और प्लेन्स का बहुत बड़ा रोल था, जो जाकर इन ट्रेंचेस पर हमला करते थे और दुश्मन की पूरी यूनिट ही तबाह करके आ जाते थे। सोचिए, जब हिटलर के पास टैंक्स और प्लेन्स थे, तब पोलैंड जैसे देश अभी भी घुड़सवारों पर निर्भर थे। फ्रांस के पास टैंक्स थे, लेकिन उनके टैंक्स एक स्पेसिफिक यूनिट में नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगह फैलाया हुआ था। हिटलर हमेशा से ही जंग की तैयारी कर रहा था और यूरोप के देश शांति की ओर। यही एक बड़ा फर्क था कि हिटलर की आर्मी सिचुएशन के लिए बेटर ट्रेन्ड और बेटर इक्विप्ड थी। हिटलर ने टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझा था और इस पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की थी, जैसे कि रेडियो उस टाइम एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जर्मनी के लिए लेकर आया। यूं तो रेडियो का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में भी था, लेकिन उस टाइम रेडियो बहुत बड़े होते थे और उनकी रेंज बहुत कम होती थी, जिस वजह से उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के आते आते रेडियो टेक्नोलॉजी में काफी ग्रोथ देखी गई थी। रेडियो अब ज्यादा छोटे हो गए थे और उनकी रेंज भी बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी दुनिया इसे अडॉप्ट नहीं कर पाई थी। सोचिए, जब हिटलर के टैंक्स और एरोप्लेन्स आपस में रेडियो से कॉन्टैक्ट के एक कोऑर्डिनेटेड अटैक दुश्मन पर कर रहे थे, तब यूके जैसे देश के अंदर एक डेडिकेटेड आर्मर डिवीजन तक नहीं था, तो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स तो भूल ही जाइए। हिटलर के पास इस सब के अलावा एक अलग तरीके का सीक्रेट सपोर्ट था, जिसकी बात काफी कम होती है। जैसा कि हम सबको बताइए कि बाकी सभी यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और वो जबरन वहां के लोगों पर राज कर रहे थे, ऐसे में हिटलर को एक विलेन के रूप में नहीं, हीरो के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि वो इन यूरोपियन पावर से लड़ रहा था। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को हराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद जर्मनी गए थे, ताकि वो हिटलर से मदद मांग सकें। यही ट्रेंड हमें बाकी जगह भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जिस तरह से सिर्फ कुछ ही सालों में हिटलर ने जर्मनी की तस्वीर बदल के रख दी, उसने भी लोगों को बहुत इंस्पायर किया था। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि इस समय तक ज्यादा लोगों को ये बात पता नहीं थी कि जर्मनी में तब ज्यूस के साथ क्या हो रहा है। जब दुनिया को ज्यूस के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला, तब जाकर लोगों ने हिटलर का समर्थन करना बंद किया। एक आखिरी चीज जो हिटलर को लेट हुई, वो था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। लगभग आधे यूरोप को अपनी मुट्ठी में करने के बाद हिटलर को लगा कि अब वो रूस या उस वक्त के सोवियत यूनियन से भी लोहा ले सकता है, और उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बाबाडोस लॉन्च कर दिया। लेकिन ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हिटलर का यह हमला सर्दियों में हुआ था, और सर्दियों में यूक्रेन और रूस का हमला करना मतलब खुद की मौत को दावत देने जैसा है, और हुआ भी वही। हिटलर की आर्मी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, और अब सोवियत यूनियन जैसी महाशक्ति को इस वॉर को घसीट कर जर्मनी ने अपनी खुद की कब्र खोद दी थी। इसके साथ साथ जर्मनी के साथ ही जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया, और वो भी अब इस युद्ध में शामिल हो गए। अमेरिका उस वक्त एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था, और इस वॉर में उनके पास वो सारे रिसोर्सेस थे जो जंग को खत्म करने के लिए काफी थे। सर, आगे की कहानी तो आप जानते हैं कि क्या हुआ, पर क्या आप चाहते हैं कि इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएं कि हिटलर की मौत अभी भी रहस्यमयी क्यों है, और क्यों कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर को कभी पकड़ा नहीं गया बल्कि वो अर्जेंटीना भाग गया था, तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।